मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वारसिया एजुकेशन अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज 12 के स्टूडेंट के लिए आई है। बिहार बोर्ड से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है, कल 14 तारीख को 12:24 कल दिन में, यानी पीएम में है, तो कल 12:24 पे आपका ये न्यूज दैनिक जागरण ने रिलीज किया है कि बिहार, देखिए क्या है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए सेंटर परीक्षा आज से यानी 14 तारीख से शुरू हो चुकी है, जो कि 14 तारीख से होनी भी थी तो शुरू हो चुकी है। देखिए, दो बदलाव किया गया है। एक तो आपका टाइमिंग, जो टाइम दिया गया था 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, उसको बढ़ा के 4 नवम्बर कर दिया गया है। दूसरा, आपका जो बोर्ड दे रहा है, पेपर दे रहा है, वो बोर्ड दे रहा है, डायरेक्ट बोर्ड कॉलेजों को दे रहा है। चलिए डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। 14 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो कि शुरू होनी भी थी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जा रही है। दो पालियों यानी एक सुबह हो गया, एक दोपहर के बाद चालू होगा, दो पाली में आयोजित की जाएगा, ठीक है। बोर्ड ने सेंटर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र संबंधित सभी जिला शिक्षा कार्यालय को 12 अक्टूबर को ही भेज दिया। अब ये भी बड़ी न्यूज है आपके लिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज है 12 स्टूडेंट के लिए, कि इस बार बोर्ड सेंटर परीक्षा के लिए बोर्ड खुद पेपर दे रहा है, जो कि 12 तारीख को ही जिला में भेज दिया गया है। और जिला शिक्षा कार्यालय ने सभी विद्यालयों व कॉलेजों को भेज दिया है, मतलब जिला भी कॉलेज में प्रश्न पत्र भेज दिया है। आप चाहेंगे तो सभी कॉलेज वाले अपने सुविधा अनुसार डेट से, किसी भी डेट से चालू कर सकते हैं। बता दें कि पहली बार सेंटर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र इतिहास में पहली बार हुआ है कि सेंटर परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड खुद प्रश्न पत्र दिया है। वही इस बात को कह रहा है कि बता दें कि पहली बार सेंटर परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है। इससे पहले बोर्ड ने इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2021 की सेंटर परीक्षा की तारीख में भी बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है मेरे प्यारे दोस्तों, बता चुका हूँ, एक बार और पढ़ लेते हैं। सेंटर परीक्षा अब 14 अक्टूबर से 5 नवम्बर 2020 तक आयोजित की जाएगी। 14 अक्टूबर से 5 नवम्बर तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसे 14 से 21 अक्टूबर पहले था, पहले क्या था, 14 से 21 अक्टूबर मात्र 7 दिनों का टाइम था। अब जिसको बढ़ाकर 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर था, इसको बढ़ाकर 14 अक्टूबर से 5 नवंबर कर दिया गया है। अब काफी टाइम मिल गया है, इसमें स्टूडेंट को भी सहूलियत है और कॉलेज अपने कॉलेज के तो है ही सहूलियत अपने हिसाब से, वो आसानी के साथ आपका एग्जाम इन बीच में कभी भी ले सकते हैं। भला इस संबंध में बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सूचना जारी की गई थी। ऑफिशियल वेबसाइट जो बोर्ड का है उस पर भी ये सूचना जारी कर दी गई थी, ठीक है। इसमें कहा गया था कि संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार 14 अक्टूबर से 5 नवम्बर की अवधि के बीच सेंटर परीक्षा ले सकते हैं, ठीक है। यानी जिसमें ये कहा गया था कि संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार 14 अक्टूबर से 5 नवंबर के अवधि के बीच में सेंटर परीक्षा ले सकते हैं। अब ये आपका टाइम भी बढ़ गया है, 14 अक्टूबर से 5 नवंबर हो चुका है और बोर्ड पहली बार आपका पेपर दे रहा है, जिससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा। उसकी बोर्ड अपने लेवल के हिसाब से पेपर बनाएगा तो आपको बोर्ड परीक्षा में हेल्प मिलने की संभावना रहेगी, और उसी लेवल का क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड में भी आएगा, तो एक हेल्प ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो अच्छी खबर है, दो बिग ब्रेक न्यूज है मेरे प्यारे दोस्तों। एक न्यूज ये है कि आपका 14 से 21 अक्टूबर था, 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर उसको बढ़ा दिया गया है। अब 14 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में सेंटर परीक्षा कोई भी कॉलेज आयोजित कर सकता है, इसके बीच में ले सकता है। दूसरी बिग ब्रेक न्यूज है कि इस बार जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं वो बोर्ड द्वारा ही भेजे जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट पटना से बोर्ड भेज रहा है कॉलेज को, जिला को, जिला कॉलेज को भेज चुका है, तो डायरेक्ट पटना से आपको पेपर बन के आ रहा है इस बार सेंटर परीक्षा के लिए। यही दो ब्रेक बिग ब्रेक न्यूज थी। ऐसा ही शिक्षा से रिलेटेड जो भी न्यूज है, आप हमारे चैनल से जुड़िए, बिग ब्रेकिंग न्यूज तुरंत मिलेगा आपको शिक्षा से रिलेटेड, और पढ़ाई के लिए भी हमारे चैनल से जुड़िए। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।